और मैं यहाँ पे आज बहुत एक इंफॉर्मेशन लेके आया है कि ओन्या हार्ट फाउंडेशन, ओन्या हार्ट फाउंडेशन, ये जो हम दिसंबर का 13 और 14 को एक प्री स्क्रीनिंग करवाएगा, ये ओन्या हार्ट फाउंडेशन किस तरह से स्थापित हुआ मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करेगा। मेरा बेटी है एक, उनका नाम ओन्या है, अभी वो 7 इयर्स हो गया है। उनको बाय बर्थ बहुत हार्ट प्रॉब्लम, मेजर हार्ट प्रॉब्लम है मेरा बेटी का। एक बार वो 6 मंथ्स में ऑपरेशन किया, अभी अभी फिलहाल एक अभी ऑपरेशन किया 5 इयर्स में। तो मैं एक ही डॉक्टर से दिखा रही हूँ, डॉक्टर एडविन प्रिंसेस केरला का है। मैं, मेरा बेटी जब हार्ट प्रॉब्लम हुआ है बोल के, जब 45 डेज में डिटेक्ट हुआ, तब मैं बहुत इधर उधर बहुत डिप्रेशन में भी चला गया, और मैं बहुत इधर उधर किया, बहुत डॉक्टर से पूछताछ किया, और मुझे रिंचिन सर, कर्लो सर भी बहुत मतलब ये किया, मॉरल सपोर्ट किया। तब मैं बहुत जाके एक वो कष्ट होता है ना बहुत, कि उसको मैंने झेला। तो ऐसा करके मेरा बेटी का फर्स्ट ऑपरेशन हो गया। सेकेंड ऑपरेशन के बाद हमने डिसाइड किया, हमारा मेरा हस्बैंड, हम फैमिली वाला डिसाइड किया कि ठीक है, हम ऐसा था तो बाकी और कितना लोग होगा हार्ट प्रॉब्लम वाला, तो उनको हम मदद करना चाहिए। मैं ओन्या हार्ट फाउंडेशन नहीं खोलने से पहले, रजिस्ट्रेशन नहीं होने से पहले मैंने मदद भी किया, लेकिन वो हमारा रिकॉर्ड में मतलब हमने रखा भी नहीं, क्योंकि उसको एक ह्यूमैनिटी ट्रो, एक माँ का हिसाब से हेल्प करना चाहिए, उन्हें मैंने किया। तो मैं अभी मेरा बेटी का नाम से करना चाहती हूँ। अगर कोई ऐसा हार्ट प्रॉब्लम है जो मेजर हार्ट प्रॉब्लम है, तो बहुत एक्चुअली सबसे बड़ा बात, वो डर जाता है, मतलब कभी कभी रात रात भर नहीं सोता, ये किस चीज के लिए हो गया, मतलब बहुत डर जाता है। तो मैं उसी लोग के लिए थोड़ा हेल्प करना चाहता हूँ, ऐसे माँ के लिए, कि मैं ये इसलिए ये दिसंबर का 13-14 को मैं प्री स्क्रीनिंग के लिए एक कैंप रखा है जो ईटानगर में होगा। तो वो जो डॉक्टर बाहर से ही आएगा, मैं प्री ऑप कोर्स करवाएगा, अगर उसमें से कोई भी बच्चा अगर बहुत मेजर हार्ट डिफेक्ट निकलता है, उसको इमिडिएटली ऑपरेशन चाहिए बोलने से, अगर ऐसा होने से मैं प्री ऑप कोर्स, इसको हमारे डॉक्टर के साथ बात करके मैं उनको प्री ऑप कोर्स ट्रीटमेंट करवाऊंगी। क्योंकि ऐसा है बहुत लोग, मेरा बेटी जब 1 ईयर्स हो गया था, तब उसमें हमारे इस तरफ से भी कोई एक पेरेंट्स आया था, बच्चा छोटा ऐसा, लेकिन वो शायद जी ऑपरेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन में सक्सेस नहीं हुआ है क्या, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो उसी चीज बहुत डर लगता है, ऐसा माँ हो के ना बहुत चीज डरता है कि एक बार आपका बच्चा का हार्ट मेजर डिटेक्ट हो जाने से एक बहुत बड़ा, एक चिंतित रहता है घर में, मतलब एक माँ है ना, आई थिंक माँ ही समझ सकता है, मतलब वो जिस चीज से गुजरा है वही माँ ही ये चीज को बहुत खूबी से, बहुत अच्छा से समझेगा वो किस दौर से गुजर रहा है। मैं बेसिकली मैंने एडवोकेट किया है, एडवोकेट पढ़ा है, प्रैक्टिस भी कर रहा था, लेकिन मेरा बेटी के लिए मैं वो भी सेक्रीफाइस किया है। तो अभी मेरा एक मुद्दा है, मेरा एक मोटो है कि मैं ऐसा पेशेंट्स को मैं मोरली या जो भी मेरा तरफ से बन सकता है, मैं वो हेल्प करने की कोशिश करूंगी। इसलिए मैं ये अपील करूंगी, अगर किसी का भी है बच्चा हमारा इधर, किसी का भी ऐसा बच्चा है अगर, तो आप उसी दिन में 13 और 14 दिसंबर को आके आप इसका बेनिफिट अवेल कर सकता है उसको, तो हम में जरूर, मैं भी बहुत कोऑपरेट करेगा। और यहाँ पे हमारे उसमें उसमें किस तरह से पहुँचना है, उसमें रजिस्ट्रेशन QR दिया हुआ है, तो QR में आप क्लिक करने से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और उसमें कोऑर्डिनेटर का नंबर भी दिया हुआ है उसमें। तो हम इस बार जो ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा ओनिया हार्ट फाउंडेशन का, ये पहला है और फर्स्ट बार ये हेल्थ कैंप में कर रही हूँ, तो उसमें मैं हमारे ये लाइफ, अरुणाचल के लाइफ सेविंग ये भाई को, हम रमेश भाई जी को हम लेके साथ में जा रहे हैं, कि क्योंकि वो भी इसी फील्ड में काम करता है, सोशल ये में ब्लड के, ब्लड डोनेशन में काम करता है। तो मैं उसी रिलेटेड को सोच के भाई, हम दोनों मिलके हम ये फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो इसलिए मैं सभी हमारे ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे माँ को, ऐसे रिलेटिव्स अगर कोई है, तो आप लोग प्लीज आके ये बेनिफिट ले सकता है, ये मेरा तरफ से अभी ना ये है। ये दीदी का कुछ कुछ बात में मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करूँगा जो एक्चुअली सबको जाननी चाहिए, क्योंकि आज की जो आधुनिक समाज में बहुत सारे बीमारियां निकलते हैं, चाहे बच्चों की हो, बड़े बड़ों की हो ना, और बहुत बार हम लोगों को पता नहीं रहते कि हमारे शरीर में क्या है, कि जब तक हम स्क्रीनिंग नहीं करते हैं या जब तक हम मेडिकल अटेंशन नहीं लेते, तब तक हमको पता नहीं रहता कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है।
तो ये जो ऑन्या हार्ट फाउंडेशन जो अभी बच्चों के लिए करने वाला है, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो मैं जितने भी माएँ हैं और जितने भी परिवार हैं और जितनी भी सोसाइटी है, मैं उनको ऑन्या हार्ट फाउंडेशन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप पार्टिसिपेट करें। ये दिसंबर को कौन से तारीख में है दीदी? 13 14 13 एंड 14 को रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल कॉन्फ्रेंस हॉल इटानगर पे है। मैं रिपीटली बता रहा हूँ, 13 एंड 14 रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल कॉन्फ्रेंस हॉल पर रहेगा, सुबह 9 बजे से। 2 दिन का है, आप इनको मिस ना करें। और दीदी की जो बच्ची की जो थोड़ा सा जो हिस्ट्री है मैं बता दूं, क्योंकि एक माँ है ना भावुक हो जाता है, बता नहीं पाते अपने बच्चे की बात। और ये स्वाभाविक सी बात है, हर माँ अपने बच्चे की बात नहीं बता पाते, अपनी स्ट्रगल अपनी बच्चे की दर्द को शब्दों से बयान नहीं कर सकते। तो मैं जरूर बताना चाहूंगा। अब इनकी बच्चे 7 साल के है ना, 7 ईयर्स की इनकी बेटी है अभी। और इनकी बच्ची छोटे से इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, यानी कि दिल का इनका प्रॉब्लम था। तो दिल का प्रॉब्लम होने के कारण से हर माँ तो चाहते हैं कि बच्चे को जिंदगी दे, क्योंकि 9 महीना कोख में रखता है। इतना 9 महीना कोख में रखने के बाद इतना दर्द को झेल के, इतना परेशानी को झेल के उनको पैदा करते हैं। और हर माँ पिताजी चाहते हैं कि मेरे बच्चे आम बच्चे की तरह जिए, आम बच्चे की तरह खेले, आम बच्चे की तरह पढ़े और आगे जाके आम बच्चे की तरह जिंदगी को जिए। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं कि जो आम बच्चे से अलग हो जाते हैं, जिसको हम स्पेशल चाइल्ड भी हम कह सकते हैं। तो इनके बच्चे जैसे ही दुनिया में आया, इस माँ के कोख से बाहर आया, तो इनको एक बीमार लेके आया जिसका उसको हार्ट में डिजीज था। जैसे हमारा नॉर्मली हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन इनके बेबी के सिर्फ एक ही चैम्बर्स थे, 3 चैम्बर्स नहीं थे। और विदाउट 4 चैम्बर्स लाइफ सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है, ये नामुमकिन है। फिर भी एक माँ होते हुए इसने डिसाइड कर लिया कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए, इनकी बच्चे की बच्चे को जिंदगी मिलनी चाहिए, इनकी बच्चे भी आम बच्चे की तरह जीनी चाहिए। और इसने लड़ना शुरू किया, इसने लड़ा लड़ा, हॉस्पिटल्स में गया, हर डॉक्टर से मिला, सिर्फ अरुणाचल में नहीं, हर एक स्टेट में गया। और हर डॉक्टर ने इनको सपोर्ट भी किया, और कुछ डॉक्टर इनको ये भी बोला कि आपके बच्चे जी नहीं सकता, अभी आपके बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं। सोचे कि कोई अगर आपको बोल दे कि आपका बच्चा जी नहीं सकता, आप क्यों उसको इलाज कर रहे हैं? आपका इलाज करके अननेसेसरी टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट आप क्यों कर रहे हैं? सोचो कितना दिल में लगता होगा ना, इस माँ का दिल में कितना लगा होगा। फिर भी इसने अपना आंसू को पी लिया और इसने डिसाइड किया कि नहीं, हमको करना है। एक कहावत है ना, कहता है चाको राके साई मार सके ना कोई। सच में ऐसा, अगर भगवान चाहो ना कुछ नहीं हो सकता। तो इसने लास्ट, इसको भगवान ने सपोर्ट किया और ये चला गया केरला। और केरला जाके इसने जब मेडिकल गया और केरला हॉस्पिटल्स में जब गया, और जो हॉस्पिटल है स्टार स्टार मेडिसिटी हॉस्पिटल केरला, और जब वहां गया और जाके इसको डॉक्टर से मिला, और डॉक्टर ने बोला कि आपका बेटी जी सकता है, आपका बेटी आराम से जी सकता है। उसने और चैम्बर तो क्रिएट नहीं किया, बट उसने ऐसा कुछ कर दिया कि आज भी इसका बेटी 7 साल हो गया, आज भी जिंदा है, हम सबके बीच है। तो दीदी ने ये डिसाइड किया कि अगर मेरा बच्चा ऐसा है, तो अरुणाचल में और ऐसे कितने बच्चे होंगे ना जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसे और कितने बच्चे होंगे जिसके हार्ट का प्रॉब्लम है और फैमिली में फाइनेंशियल इशूज होगा, जिसको फाइनेंशियली वो कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे होगा कि कितना लोग जिसके पास अवेयर ही नहीं है, ऐसे ही घर पे पड़ा हुआ है। तो दीदी ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ऐसा ही नहीं रहूंगा, मैं अपने बच्चे के नाम पर मैं फाउंडेशन तैयार करूंगा, उस फाउंडेशन के थ्रू ऐसे बच्चों को ये सपोर्ट करेंगे, ऐसे माओ को वो सपोर्ट करेंगे। तो इसने तैयार किया ओनिया हार्ट फाउंडेशन, इसने शुरू किया। अभी इसी को लेते हुए ये पहला इनका पहला प्रोग्राम है जो अरुणाचल में बहुत भव्य रूप से, बहुत बड़े रूप में ये एक प्रोग्राम करने वाले। इनका एक ही इंटेंशन है कि बच्चे को जिंदगी मिले, आम बच्चे को भी। और इनमें जो भी डिटेक्ट होता है, जो सीवियर रहेगा, जो बहुत सीवियर है, उनमें से 10 बच्चा को प्री ऑपरेशन किया जाएगा, वो भी केरला में जो स्टार मेडिसिटी हॉस्पिटल पे। और इसका खर्चा, आधा खर्चा हॉस्पिटल्स लेगा और आधा खर्चा जो फाउंडेशन से जो होता है वो देखेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं अरुणाचल की सारी जनता को मैं एक इंस्पायरिंग वाला एक बात बोलना चाहूंगा। दीदी तो है ही है इंस्पायरिंग, दीदी का जो स्टोरी है वो इंस्पायरिंग है ही है। और ये हॉस्पिटल भी अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो भी लोग हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट के लिए आता है, ठीक होके जाता है ना, वो उस अपने बच्चे के नाम पर पैसा डोनेट करके जाता है। और उस डोनेशन पैसा को वो ऐसे बच्चों के लिए वो रखते हैं, जो ऐसे बच्चे आएंगे तो उनको प्री ऑपरेशन किया जाएगा। अभी हमारे अरुणाचल से भी अगर ऐसे बच्चे मिलते हैं, तो उसी हॉस्पिटल का जो फंड है, वही फंड से उन बच्चों को ऑपरेशन किया जाएगा। तो मेरी सभी अरुणाचल के जितने भी माँ है और
और फैमिली है, मैं रिपीटली मैं बोल रहा हूँ, प्लीज दिसंबर 13 और 14 को आप आरके मिशन आइए सुबह 9 बजे, और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्यूआर दिया गया है, ये अभी हम लोग सारे मीडियाज को दे देंगे, वो स्क्रीन में डाल देंगे। आप क्यूआर है, आप क्यूआर को स्कैन करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन हाँ, प्री रजिस्ट्रेशन, हाँ प्री रजिस्ट्रेशन भी फ्री रहेगा, जितने सब भी कुछ एक फ्री है। चीज है सब फ्री है। तो ये सारा मीडियाज को दिया जाएगा, और आप स्क्रीन से आप इसको स्कैन करके आप फ्रीली आप इसको आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और आप प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, अपने बच्चे को नई जिंदगी दीजिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जैसे राज्य सरकार का भी बहुत सारा स्कीम्स रहता है, जैसे मैंने पिछले बार भी एक कहा था कि जैसे हमारा किडनी का ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख रुपया का वो मदद देते हैं हमारे राज्य सरकार, वैसे ही राज्य सरकार बच्चों के लिए हार्ट डिजीज के लिए, स्पेशली फॉर गर्ल हाँ चाइल्ड, लड़की बच्चों के लिए वो एमएम उसके लिए वो शायद 1.5 लाख का, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, बट 1.5 लाख का वो इसको सपोर्ट रखते हैं। और वो आपको वो अप्लाई करना पड़ता है एनएचएम में, कोऑर्डिनेटर है केएनपी अतः करके एक मैडम है, आप वो मैडम से संपर्क करें, वो एनएचएम नाहरलगन नेशनल हेल्थ मिशन नाहरलगन में एक स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर्स है केएनपी अतः, आप उनसे संपर्क करें, जो भी आपके बच्चे स्पेशली गर्ल चाइल्ड लड़की बच्चे जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, आप 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 का आप बेनिफिट्स आप ले सकते हो। ये भी एक आप सबके लिए एक अवेयरनेस है, क्योंकि हमारे सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और हमसे जो लगेगा या हम लोगों को जो पता रहेगा डेफिनेटली आप लोगों को हम लोग बताया जाएगा। तो ये चीज भी आप लोग प्लीज आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और मेरे मेरे तरफ से मेरी अंतिम यही है कि प्लीज आप लोग दिसंबर 13-14 तारीख को आप लोग प्लीज आरके मिशन कॉन्फ्रेंस हॉल आइए सुबह 9 बजे, और जो क्यूआर दिया गया है उससे आप स्कैन करके आप प्री रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो।